दोस्तों नमस्कार, MGHS। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में MG मोटर्स की पॉपुलर SUV MGHS सेकंड जनरेशन में पेश हो चुकी है। नई MGHS पुरानी HS के मुकाबले लंबी, चौड़ी और कम ऊंची है। इस वीडियो में हम आपको नई सेकंड जनरेशन MGHS में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहे आप वीडियो में हमारे साथ। वीडियो की शुरुआत अगर एक्सटीरियर से करें तो नई MGHS पुरानी HS के मुकाबले 14 मिलीमीटर चौड़ी, 26 मिलीमीटर लंबी और 30 मिलीमीटर कम ऊंची है। नई MGHS का व्हील बेस 2750 मिलीमीटर का आपको मिलता है। इसके एक्सटीरियर में आपको नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नई हाउसिंग के साथ फॉग लैंप, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, LED टेल लाइट्स, रूफ रेल, शार्क फिट एंटीना, R17 इंच के अलॉय व्हील्स, नए ड्यूल टोन और मोनोटोन कलर्स की ऑप्शन जैसे फीचर्स नई MGHS SUV के एक्सटीरियर में आपको मिलते हैं। अगर इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो नई MGHS में आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड के साथ 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है, जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के फीचर को सपोर्ट करता है। इसमें आपको 12.3 इंच का ही फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो कि पूरी तरह से कन्फिगरेबल है, लार्ज पैरानोमिक सनरूफ, 5 पर्सन की कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, लार्ज बूट स्पेस, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, प्रीमियम साउंड सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग जैसे फीचर्स नई MGHS SUV के इंटीरियर के कुछ हाइलाइट्स हैं। अगर इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो नई MGHS में आपको पेट्रोल इंजन की ऑप्शन मिलती है, जो कि PHEV टेक्नोलॉजी के साथ 170 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जबकि दूसरी ऑप्शन में MGHS में आने वाली इलेक्ट्रिक मोटर 209 हॉर्स पावर जनरेट करती है और एक कंबाइंड सिस्टम 300 हॉर्स पावर जनरेट करता है। MG मोटर्स की HS CVT की स्टैंडर्ड गियरबॉक्स की ऑप्शन में आती है। इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, मल्टीपल ट्रैक्शन मोड की ऑप्शन भी मिलती है। इसके बाद अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नई MGHS में आपको सेफ्टी के लिए ADAS टेक्नोलॉजी के साथ हाई स्टैंड स्टील बॉडी, ऑल एयरबैग्स, ऑल डिस्क ब्रेक, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे शानदार सेफ्टी के फीचर्स सेकंड जनरेशन MGHS में आपको मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2025 के बाद भारत में भी MG मोटर्स की HS SUV देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप हमें बताएं कि भारत में अगर MG मोटर्स की HS SUV लॉन्च होती है तो आप इसे खरीदना पसंद करेंगे या फिर नहीं। धन्यवाद।